भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में परिजन उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और मायागंज अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सबको स्ट्रेचर पर रखकर एसएसपी आवास की ओर घेराव करने के लिए निकलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटना के बाद परिजनों और पुलिस के बीच लगातार विवाद जारी है। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, स्पेशल फोर्स और 3 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है। परिजनों का आरोप है कि 22 जून को भी छोटे भाई ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः छोटे भाई ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव भवन के पास की है और मायागंज अस्पताल में अब भी परिजन हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छोटा भाई हुआ, अपना सौदर भाई थाना को वही मारा है, वही मारा है। वो और उसका बेटा आया था थाना को, 2 घंटा पहले कॉल किया गया थाना बोलता है। थाना में मेरी ननद से दिन भर झगड़ा हुआ, ननद से फोन पूरा किया, दिन भर है नहीं बोलता ना मरा तो तू हिजड़ा है। और पहला बार जब फायरिंग हुआ था पास जुमको तो केस किन में गए थे तो वो बोलता है रितेश कुमार 3 फायरिंग कर दिया, तुम लोग कुछ ना करते, तुम दरोगा बोला वहाँ का लोदीपुर थाना का, वही एक मर गया, तुम लोग दोनों हिजड़ा हो, ठीक है। उसके बाद फिर भी केस मुकदमा किए, वो पटना से बेल ले लिया, बेल से पहले भी आता था गांव पे चौक पे, और ऐसे ताल ठोके के तो मार देंगे, और थाना मैनेजर एसपीडीएम सब मैनेजर, हाँ हाँ। आज आया हम लोग, हम अपने रूम में पैक थे, एसी रूम में हम पैक थे। उसके बाद भैया अपना मैंने कुछ करता था तो हम 3 महल पे रहते हैं, वो 2 महल पे रहते हैं, और मेरा छोटा बेटा पढ़ रहा था, जैसे मैंने बबलू गोली मार दूर, गोली मार दूर, गोली मार दूर, तब तक मैं जो छोटका बेटा, जो मेरा छोटका भाई बबलू, वो धपधप कर रहा था। हम बोले इसको खींचा, चलो बना अंदर चलो, उसके पास गोली है। तब तक मैं और घर में ना तो भाभी थी, ना तो मेरी वाइफ थी, ना तो मेरा बच्चा बड़ा था, भारी शरीर भी नहीं था, कोई घर में नहीं था। कैमरा की बात कर रहे थे, क्या कैमरा? कैमरा आज शाम में उतरवा गया, सरकारी कैमरा मेरे घर के पास चौक पे जो लगा हुआ है। अब कौन उसको उतरवाइए कैसे हम बता सरकारी ये राजनीति के तहत मारा गया, पैसा खाने वाला उतारा है। साफ बोलता आपको हम सब बता देंगे, बोला कि थाना मेरा मैनेज है, सब रिकॉर्डिंग है उसका, हमारा नाम मिथिलेश कुमार है। देखिए लोदीपुर में कल रात में वार्ड नंबर 3 में एक भाई ने एक दूसरे अपने ही भाई को गोली मारकर हत्या किया है, और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है 3 व्यक्तियों पे, और उसमें से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, और पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कांड दर्ज हुआ था। जून माह में दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे का विवाद था, और उस कांड में भी पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया गया था 1 अभियुक्त के खिलाफ, और उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, और उनके विरुद्ध वारंट भी कोर्ट से प्राप्त किया गया। बाद में उनकी अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा हो गई, और उसके बाद ये जून का मामला है, 4-5 महीने बाद पुनः कल विवाद हुआ, और उस पूरे विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर। स्थिति कैसी है? स्थिति सामान्य है, पुलिस की लगातार वहां गश्ती हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भागलपुर के सनहला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया था, जिससे स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं पथराव की भी घटनाएं सामने आई थी। इस मामले में भागलपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, और वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि दोषियों की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर
की जा रही है। जल्द ही सभी दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह के नेतृत्व में इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया और सनहौला बाजार में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं शांति बनाए रखने के लिए शांति समिति के सदस्य दोनों पक्षों के लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। फिलहाल एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य दोषियों की तलाश जारी है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद में 17 अक्टूबर को हुए लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नकाबपोश लुटेरों ने रंजीत कुमार के घर में हथियार दिखाकर जेवरात, मोबाइल, CPU और नगद राशि लूट ली थी। घटना के बाद गृह स्वामी रंजीत कुमार ने सुल्तानगंज थाना में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए लूटे गए CPU, मोबाइल और अन्य सामान बरामद कर लिया है। साथ ही लूट में प्रयुक्त फाइटर पंच और गमछा भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना, एक डकैती की घटना हुई थी 3 दिन पहले 17-18 की रात्रि में। सुल्तानगंज में शाहबाद एक गांव पड़ता है, उसी के आउटस्कर्ट्स पे 3 घर थे और उसमें एक जो टीचर का घर था उसमें 5-6 लोगों के द्वारा एक डकैती कार्य की गई थी, जिसमें कि एक कंप्यूटर का CPU, कुछ पैसे, मोबाइल और कुछ जेवरात की डकैती की गई थी। और उस डकैती की घटना को उद्भेदन, अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें कार्य कर रही थी। घटनास्थल का मुआयना हमारी FSL की टीम के द्वारा भी किया गया और इस पूरे उद्भेदन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, जिससे हम लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। और पिछले 36 घंटों से ये लगातार कार्रवाई चल रही थी, इसमें हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। और लूटा हुआ मोबाइल वहाँ से जो था उसकी बरामदगी हुई है और लूटे हुए कुछ सामान जैसे घड़ी, CPU और कुछ जेवरात की भी बरामदगी हुई है, लेकिन वो जो आवेदन दिया गया था उससे मैच नहीं कर रहा, तो उसके विषय में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना में 3 और व्यक्ति शामिल थे जिनकी पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस पूरे घटना के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी में जो हमारी टीम थी, जिसमें हमारे DIU प्रभारी रंजीत, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर प्रणव प्रकाश, सब इंस्पेक्टर अक्षय, सब इंस्पेक्टर सुशील अभय और सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार पंडित, नीरज प्रकाश, चंद्रभूषण प्रसाद और सिपाही अभिमन्यु, बच्चन, रजनीश और प्रकाश, ये पूरी टीम थी जो पिछले 3 दिनों से लगातार इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए लगी हुई थी। और उन्होंने सफलतापूर्वक इस पूरी घटना का उद्भेदन किया, 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की और जो सामान लूटा गया था उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और जो व्यक्ति बच गए हैं, जो अपराधी बच गए हैं, उनके पीछे भी पुलिस लगी है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जो बचे सामान हैं उनकी भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर नगर निगम की बैठकों में बार बार तारीख पर तारीख की स्थिति ने जनता को निराश और परेशान कर दिया है। मशहूर फिल्म दामिनी के सनी देओल के प्रसिद्ध डायलॉग की तरह यहाँ भी कोई ठोस नतीजा निकलने की बजाय हर मुद्दे पर सिर्फ तारीखें दी जा रही है। नगर निगम के पदाधिकारी, मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षदों के उदासीन रवैये के कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही है। नगर निगम की ओर से किए गए वादे और योजनाएं बार बार टलती जा रही है और शहर के विकास की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही है। ताजा मामला भागलपुर नगर निगम की सामान्य समिति की बैठक का है, जो मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक में कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकला और एक बार फिर से नई तारीख तय कर दी गई। मेयर वसुंधरा लाल ने जनता को आश्वस्त किया कि जल्द ही न्याय मिलेगा और नगर निगम की योजनाएं भी शीघ्र पारित होगी। उन्होंने वादा किया कि अब तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म होगा, लेकिन देखना यह होगा कि जनता को इस बार कितनी जल्दी राहत मिलती है। आज सम्मान बोर्ड की बैठक थी। सम्मान बोर्ड के बैठक में सम्मानित पार्षदों के द्वारा जो दिए गए प्रस्ताव था, उस पर जो जवाब आया नगर निगम का, काफी हास्यास्पद था। सिर्फ
तारीख पर तारीख मिलता है नगर निगम से, कार्य कुछ नहीं होता है। इसका पूरा विरोध पार्षदों ने किया है, और इतना ही नहीं पार्षदों ने ये भी कहा है कि अब तारीख पर तारीख नहीं, अब सिर्फ काम पर काम होगा, नहीं तो हम लोग सदन चलने नहीं। देखा जाए बैठक में क्या कहते हैं, आज पिछले हम लोगों का कार्यकाल 1 साल 9 महीने का हो गया है, और प्रत्येक बैठक में मैं आ रहा हूँ, प्रस्ताव दे रहा हूँ, लेकिन निगम के द्वारा हमें क्या कहते हैं कोई प्रस्ताव पे अमल नहीं हुआ जा रहा है, और सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख निगम के द्वारा दिया जा रहा है। जनता हमसे सवाल करेगी तो हम उनको तारीख देंगे, तो वो तो हमें चुनाव अगले बार हरा देंगे। तो सिर्फ निगम के द्वारा सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है। भागलपुर में इस वर्ष का भागलपुर महोत्सव 15 से 19 दिसंबर तक स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में आयोजित किया जाएगा। दरअसल यह पूर्वी बिहार और अंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समारोह है, जिसमें पहली बार बॉलीवुड के राष्ट्रीय कलाकारों और राष्ट्रीय फोक कलाकारों की शिरकत होगी। महोत्सव में इस बार राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जो एक अनूठी पहल है। इस आयोजन के संबंध में नागरिक विकास समिति की बैठक अंगार कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष रमन कर ने की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महोत्सव के लिए प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे, ताकि पूर्वी बिहार के सभी इच्छुक कलाकार इस आयोजन का हिस्सा बन सकेंगे। वहीं सांस्कृतिक सचिव नरेश शाह और संयोजक संतोष कुमार ने जानकारी दी कि महोत्सव के दौरान सैंडिस कंपाउंड में भागलपुर क्षेत्र के पर्यटन और धरोहरों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिनमें डॉक्टर संजय निराला, अनंत श्रीवास्तव, राकेश रंजन केसरी, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर सविता शाह समेत कई अन्य गणमान्य सदस्य शामिल थे। भागलपुर शाखा 2 के LIC अभिकर्ताओं ने आज एक दिवसीय काला दिवस मनाते हुए विभाग के उदासीन रवैये के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के तहत सभी अभिकर्ता ने अपने कार्यों को स्थगित कर विश्राम दिवस के रूप में प्रदर्शन किया। अभिकर्ताओं की मुख्य मांगों में ग्राहकों के इंश्योरेंस प्रीमियम में 9% की बढ़ोतरी और भुगतान में किसी प्रकार की गिरावट नहीं होना शामिल है। अभिकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। प्रदर्शन के दौरान शाखा सचिव अमित कुमार, अध्यक्ष राम सुंदर, कोषाध्यक्ष हरे कृष्ण प्रसाद समेत दर्जनों अभिकर्ता उपस्थित थे।